हेलो फ्रेंड्स, अक्ति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अक्ति है तो मैंने सोचा कुछ मीठा हो जाए, तो फटाफट इंस्टेंट रबड़ी सिखाती हूँ मैं संतरे की। इसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ सामान नहीं चाहिए और सिर्फ 10 मिनट बन जाएगी। ये मैंने संतरे का ये सब निकाल के रखा है, इसके बीजे और जो रेशे हैं वो मैंने सब निकाल के, इसका पल्प निकाल के अच्छे से रख लिया है। ये 1 कप मैंने शुगर पाउडर लिया है, थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स ग्रेनेट करके रखे हैं, काट कर रखे हैं, एक थोड़ा सा इलायची पाउडर और ये है मिल्क पाउडर। और मैंने ये लिया है ब्रेड क्रम्स, वाइट वाली ब्रेड का साइड का मैंने काट दिया है। और ये लिया, ये मैं इंस्टेंट पाउडर भी बनाना सिखाऊंगी आपको, जो कि आप 10 मिनट में रबड़ी कैसे बना सकते हो ना। तो सबसे पहले मैं गैस ऑन करती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। सबसे पहले हम अपना जो ये हमारा ब्रेड क्रम्स है इसको मैं भून लेती हूँ फटाफट। इसको मुझे 2 या 3 मिनट इसको बस भूनना है, मुझे हल्का सा ब्राउन करना है। आप चाहें तो इसमें ब्राउन शुगर भी मिला सकते हैं। और ये जो मैं पाउडर बनाना सिखाऊंगी आपको, ये हम बना के रख सकते हैं इसको, ये करीब 3 से 4 महीने एयरटाइट डिब्बे में बना के हम रख सकते हैं। हमारा अच्छे से थोड़ा डार्क कलर हो गया, ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें शुगर ये मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा इलायची पाउडर, शुगर, मैंने वाइट शुगर डाली है। आप चाहें तो ये ब्राउन शुगर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने वाइट डाली है। और गैस को हम बंद कर देंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे इसमें। ये देखिए इसको हमें जब तक चलाना जब तक ये थोड़ा ठंडा ना हो जाए। ये हमारा जो रबड़ी मेकर है ये तैयार हो गया है एकदम से, बस इसको ठंडे होने तक हम इंतजार करेंगे। और अभी मैं आपको रबड़ी बनाना भी सिखाऊंगी कि कैसे रबड़ी बनाते हैं इसकी। रबड़ी या आइसक्रीम भी बना सकते हो आप खीर में भी डाल सकते हो इसको। ये बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है। और 3 महीने तक आप इसको रख सकते हैं, 3 महीने तक आपका ये कुछ भी ख़राब नहीं होगा। इसका एयरटाइट डिब्बे में बंद करके आप इसको फ्रीजर में रख लें या फ्रिज में रख लें तो ये ख़राब नहीं होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत ही अच्छा बनता है। क्योंकि मैं बहुत बार बना चुकी हूँ और मुझे जल्दी होती है तो मैं फटाफट यही बनाती हूँ। कुछ भी फेस्टिवल है कुछ है, फटाफट बना लिया एकदम से। ये देखिए ये हमारी अब ठंडी हो गई है। अब मैं आपको रबड़ी बनाने का प्रोसेस बताती हूँ। मैंने कढ़ाई रख दी है, ये मिल्क पाउडर आप ये वाला भी ले सकते हैं या कोई भी ले सकते हैं मिल्क पाउडर। अब मैं सिर्फ इसमें 1/2 लीटर दूध डालूंगी। ये 1/2 लीटर मैंने दूध लिया है, आप देखिए 1/2 लीटर दूध में हमारी करीब 8 कटोरी रबड़ी बन जाएगी इसमें। ये हमारा जो इंस्टेंट आइसक्रीम पाउडर है ये भी रेडी हो गया है। रबड़ी पाउडर बोल दीजिए, आइसक्रीम पाउडर जो भी आपको करना है, क्योंकि इससे मल्टीपर्पज है। ये आइसक्रीम के भी काम में आता है, खीर के काम में भी आता है, और रबड़ी तो हम बना ही रहे हैं आज। ये 1/2 लीटर दूध रूम टेम्परेचर पे ही है, ज़्यादा गर्म नहीं है। वैसे भी रबड़ी के लिए दूध बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, क्योंकि हमको इसकी बनानी है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, चार चम्मच भरकर हम इसमें डाल देंगे। ये मैंने 4 बड़े चम्मच ले लिया है इसमें। अब हम इसमें धीरे 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 इसको डालेंगे। देखिए गैस हमारी ऑन है, धीरे धीरे डालेंगे इसमें, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, इसलिए हम इसको धीरे धीरे डालेंगे। और करीब हमको इसको फिर 15-20 मिनट चलाना है, जिससे कि इसका गाढ़ापन अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए रबड़ी थोड़ी गाढ़ी रहती है, तो हम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं ये वाला पाउडर। अब देखिए ये हमने अगर पाउडर बना के रख लिया है तो हमारे कोई भी गेस्ट आते हैं तो हम फटाफट 10 मिनट में फटाफट से रबड़ी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। आइसक्रीम तो खैर नहीं बन सकती थी जल्दी, क्योंकि आइसक्रीम के लिए हमको 1 घंटा जमाने के लिए चाहिए, लेकिन खीर और रबड़ी तो बन ही सकती है फटाफट। और आप इसमें फिर कोई भी फ्लेवर डाल के बना सकते हो, जैसे आज मैं ऑरेंज की रबड़ी बनाऊंगी। ये देखिए इसको अब हम उबलने देते हैं करीब 10 मिनट। ये देखिए कितनी जल्दी हमारी रबड़ी गाढ़ी होने लगी है। देखिए ये आप देख पा रहे हैं कितनी जल्दी से कितने अच्छे से गाढ़ी हो रही है। देखिए ये देखिए और कितनी जल्दी बन गई। बस इसको थोड़ा सा हमको गाढ़ा करना है, इसलिए हमको उबालना। अगर ये खीर होती तो ये बन जाती, क्योंकि मेरे को रबड़ी बनानी है तो रबड़ी थोड़ी सी गाढ़ी अच्छी लगेगी। ये देखिए जब हमारी ये रबड़ी बन जाएगी, अच्छे से उबल जाएगी, उसके बाद हम इसको
एक घंटे के लिए ठंडी होने के लिए रख देंगे। फिर मैंने जो ऑरेंज का जो पल्प निकाल कर रखा है वो इसमें मैं डाल दूंगी, तो एकदम ये ऑरेंज की पपड़ी बन जाएगी, ये देखो। क्योंकि अगर हम गर्म में डालेंगे तो वो तो फट जाएगी, इसलिए हम गर्म में नहीं डालेंगे, थोड़ा ठंडा होने के बाद डालेंगे। ये देखिए कितनी गाढ़ी और कितनी यम्मी लग रही है, और कितनी जल्दी, अभी 7-8 मिनट भी नहीं हुए और हमारी इंस्टेंट रबड़ी रेडी हो गई है, देखिए। क्योंकि जो हमारा मिल्क पाउडर ना वो बहुत जल्दी गाढ़ा करता है। आप चाहे तो थोड़ा सा अरारोट भी मिला सकते हैं, बट मैंने इसमें अरारोट नहीं मिलाया है क्योंकि वो ऐसे ही बहुत गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसमें अरारोट पाउडर नहीं मिलाया है। हमने जो इंस्टेंट पाउडर मिलाया बनाया है इसको मैं बना के रख देती हूँ इस डिब्बे में, एयरटाइट डिब्बे में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी। आइसक्रीम भी बिल्कुल क्विक बन जाएगी आपकी 2 या 3 मिनट में बस। इसको हम 3 से 4 महीने तक तो एटलीस्ट रख ही सकते हैं, इसका कुछ भी नहीं होगा। यह एयरटाइट डिब्बा, इसको आप फ्रिज में रख लीजिए। हमारी अच्छी और कितना अच्छा गाढ़ापन आ गया इसको, देखिए ये देखिए कितनी गाढ़ी है, ये देखिए। तो जैसे मेरी हमारी रबड़ी जो है मैंने इसे थोड़ी सी लेके ठंडी कर ली है, देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है ठंडी होने के बाद, देखिए आप। और अभी तो ये 1-1.5 घंटे बाद ना और गाढ़ी हो जाएगी। इसमें मैंने ये जो संतरे का निकाल के रखा है पल्प, ये इसमें डाल दूंगी मैं, इसलिए मैंने आधा डाला है इसमें, क्योंकि इसमें डालूंगी मैं बाकी का। ये देखिए, ये देखिए आप कितने अच्छे संतरे की रबड़ी का कलर आया है और कितनी अच्छी बनी है, देखिए। आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं, बट मैं पीस के इसलिए डालती हूँ क्योंकि पीस के ना उतना अच्छा नहीं लगता है, ये जब ये मुँह में आते हैं तो इतना अच्छा लगता है संतरे की, बहुत अच्छी लगती है संतरे की रबड़ी। ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर कलर भी है और कितनी अच्छी लग रही है, देखिए। ये देखिए हमारी इंस्टेंट रबड़ी रेडी हो गई है, ये देखिए कितने अच्छे लच्छे और कितनी गाढ़ी है, देखिए ये देखिए कितनी अच्छी और कितनी गाढ़ी बनी है, और सिर्फ 10 मिनट भी नहीं लगा मुझे बनाने में, देखिए। आप लोग भी बनाइए और ट्राई करिए फटाफट, संतरे की रबड़ी खाइए और खिलाइए, अक्षय तृतीया का आनंद लीजिए। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ।